हेलो चिल्ड्रन, वेरी गुड मॉर्निंग। होप ऑल आर वेल। वेलकम टू आवर चैनल साइंस फैक्ट। बिफोर स्टार्ट दिस वर्ल्ड टॉपिक पार्ट 4 क्वेश्चन एंड आंसर, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड मोर शेयर और प्रेस रेड बटन। इस चैनल को आप साइंस फैक्ट चैनल जो आपकी नॉलेज को बढ़ा रहा है। मैं बर्ड्स के पार्ट 4 क्वेश्चन आंसर को लेकर आई हूँ। वी वेलकम दिस टॉपिक अबाउट बर्ड्स क्वेश्चन एंड आंसर गिवेन बिलो। यू कैन इजली नोट डाउन इन योर नोटबुक एंड लर्न एंड इंक्रीज योर नॉलेज विद दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक, सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड रेड बटन। सो स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन फर्स्ट, ए बर्ड्स बोन आर फिल्ड विद एयर। I will explain Hindi and English both language. A bird's bones are filled with air. Birds की जो बोन होती है वो एयर से फिल होती है. ओके, तो ये पूछ सकते हैं कि ए बर्ड्स बोन्स आर फिल्ड विथ एयर। सेकेंड पॉइंट, डाउन फीडर्स कीप द बर्ड वार्म। जो डाउन फीडर्स बर्ड्स में पाया जाता है वो बर्ड्स को वार्म रखता है, गर्म रखता है। डाउन फीडर्स कीप द बर्ड वार्म। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स फिल्ड विथ एयर। ओके, बर्ड्स हैव हॉलो बोन, बर्ड्स में हॉलो बोन पाई जाती है फिल्ड विथ एयर, जो एयर से फिल्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट 4, वी विल कम, ए न्यू बॉर्न बर्ड्स हैज ए लॉट ऑफ डाउन फीडर्स। जो न्यू बॉर्न बर्ड्स होती है उसमें बहुत सारे डाउन फीडर्स पाए जाते हैं। ए न्यू बॉर्न बर्ड has a lot of down feeders. Next, duck have web feet to swim in water. Duck के web feet होते हैं, जालीदार feet होते हैं जो उसको तैरने में सहायता देते हैं। Duck have web feet. We already know duck have web feet. आप किसी भी पिक्चर में या डक को देख सकते हैं, उसके पैर को। डक हैव वेब फीट टू स्विम इन वाटर। एंड नेक्स्ट पॉइंट वी विल कम, 6, द टेलर बर्ड स्विज इट्स नेस्ट विद इट्स बीक। टेलर बर्ड जो है वो अपनी बीक से, चोंच से जो है वो नेस्ट को सिलती है। द टेलर बर्ड स्विज इट्स नेस्ट विद इट्स बीक। एंड 7th, the bird that can fly over long distance is pigeon. Pigeon जो है long distance birds है, जो बहुत दूर तक उड़ सकता है। The bird that can fly over long distance, वो बर्ड जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ऊपर तक उड़ सकता है। द बर्ड दैट कैन फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज पिजन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 8 point, the web feet of bird duck help them to swim. या ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं, जो डक का फीट होता है वो वेब्ड होता है, जो उसको तैरने में सहायता देता है। The web feet of bird duck help them to swim. You can easily note down this question and answer about bird. 9, come to the point 9, name the feathers that helps a bird to fly and keep its body warm. Down feeders. 10, name two aquatic bird, swan, duck, pelican and crane. यहाँ पे दो पूछा गया है, मैंने चार बता दिए हैं, swan, duck, pelican and crane. This is a aquatic birds. Come to the point 11, what are flightless bird? Some birds do not fly at all. कीवी, ऑस्ट्रिच, ईमू भी होता है, लिख भी सकते हैं यहाँ, ईमू। ईमू भी फ्लाइटलेस बर्ड है। वॉट आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, सम बर्ड्स डू नॉट फ्लाई एट ऑल, लाइक एग्जाम्पल कीवी, ऑस्ट्रिच एंड ईमू। एंड नेक्स्ट पॉइंट, वाई डू बर्ड्स मेक नेस्ट, ले एंड हैच एग्स, protect their eggs and nestling from enemies, protect themselves from harsh weather. Okay, so let's revise birds question and answer. A bird's bones are filled with air. Down feathers keep the bird
warm. Birds have hollow bones filled with air. A newborn bird has a lot of down feathers. Duck have web feet to swim in water. The tailor bird see its nest with its beak. The tailor bird see its nest with its beak. The bird that can fly over long distance is pigeon. The web feet of bird duck help them to swim. The web feet of bird duck help them to swim. Name the feathers that help a bird to fly and to keep its body warm. Down feathers. Name two aquatic birds: swan, duck, pelican, and crane. Water flightless birds. Some birds do not fly at all: kiwi, ostrich, and emu. Next, why do birds make nest? Lay and hatch egg. Third point, three major things that birds make a nest. Lay and hatch eggs, protect their eggs and nestling from their enemies. Protect themselves from harsh weather. So, इस वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ. आप इस क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में नोटबुक में ले सकते हैं. यू कैन इजली नोट डाउन दिस कंटेंट बर्ड्स एंड अबाउट क्वेश्चन आंसर. आप नोट कर सकते हैं. जितने भी प्रीवियस वीडियो के लिंक हैं बर्ड्स से संबंधित टॉपिक के, आई विल पुट अप इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन इजली फाइंड आउट. मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक डाल दूंगी, आप उसको आसानी से पा सकते हैं. तो थैंक यू. स्टे इन होम, बी सेफ, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड घर पर ही रहिए. सकारात्मक सोच से ही हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं. थैंक यू.